झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं। और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस भाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें, आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैंने हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफुरल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफुरल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया? कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया?